मिस्टर डिप्टी स्पीकर साहिबा। स्पीकर साहिबा, मेरा हल्का PS113 क्यामाणी, जो के कराची बंदरगाह, ऑयल रिफाइनरी और फिशरी से के इर्द गिर्द आबाद हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर कराची 65% रेवेन्यू देता है तो मेरा हल्का 40% रेवेन्यू देता है, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह है, यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ पर फिशरी है। लेकिन अफसोस कि आज भी यहाँ के लोग सेवरेज के पानी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज भी मसान चौक, सईदिया मस्जिद एरिया, कच्चीपाड़ा, सिकंदराबाद, पूना अपार्टमेंट के एरिया में, गलियों में, रोडों पर 2-2 फीट पानी खड़ा हुआ है। पेरेंट्स जब सुबह अपने बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं तो वैन में बिठाने से पहले उनके पांव वहां धोते हैं, तब उनको मोजे और शूज पहनाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अफसोस की बात है कि हमारे मुअज्जज मिनिस्टर साहब सईद गनी साहब से हमारी काफी उम्मीदें थी। एक महीना पहले मैं इनको एप्लीकेशन दे चुका हूं इन मसाइल के हल के लिए, बल्कि तस्वीर के साथ। ये एक तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, ये देख ले, एक गली का है। तकरीबन ये आबादी कोई 800 मकानात पर मुश्तमिल ये एरिया है। कल मैंने मिनिस्टर साहब से पूछा कि सर, मैं 4 चक्कर आपके ऑफिस का लगा चुका हूं, मेरे हलके में ये मसला है। जब मैं वाटर बोर्ड के पास जाता हूं तो वो कहता है डीएमसी का मसला है, जब डीएमसी के पास जाता हूं तो कहता है कि वाटर बोर्ड का मसला है। मुझे आए ये बताया जाए कि ये मसला कौन हल करेगा। यहां के अवाम सफर कर रहे हैं, यहां के अवाम ये 6 महीने से, मोहतरम स्पीकर साहिबा, ये मसला पिछले 6 महीने का बना हुआ है, मेरे लिए उबाले जान बन चुका है। मैं हल्के में नहीं जा सकता हूं, जिस गली में जाता हूं लोग मुझे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये देख ले, पानी देख ले। तो मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, हमें आपसे काफी उम्मीदें हैं, आप मेरे साथ जाएं मेरे हल्के में। ये करीब है 10 मिनट का रास्ता है, मैं आपको दिखा देता हूं कि उस वहां के लोग किस अजियत से दो चार हैं। मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि मेरे हल्के में सीवरेज के साथ साथ स्कूलों के साथ कचरे पड़े हुए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले से जब रब्ता करते हैं, ना वो गाड़ियां देते हैं, ना वो रिक्शे देते हैं, ना कोई स्वीपर, वो डाल देते डीएमसी पे और डीएमसी डाल देती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। जबकि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले तकरीबन 1 साल हो गए आए हुए हैं, लेकिन अभी तक गलियां रोड कचरों से भरे हुए हैं। तो मैं मिस्टर मिनिस्टर साहब सईद गनी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा क्यामाणी के हवाम के ये जो मसाइल है, बुनियादी मसला है पानी का, ये सीवरेज के मसले का है, आपको ये पहले आप हल करें। आप 5 मिनट से ज्यादा स्पीच नहीं कर सकते, प्लीज। मैडम स्पीकर साहिबा, आप बड़ा मसला है वहाँ पर सीवरेज का, पानी का तो चलो कहीं से कर लेंगे, लेकिन सीवरेज के मसले से, ये सीवरेज का पानी जो 2-2 फीट खड़ा हुआ है गलियों में, इनसे हमारी क्यामाणी के आवाम को निजात दिलाए। जी मिनिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम डिप्टी स्पीकर साहब। मेरे मौजूद साथी ने जो इश्यूज़ रेज़ किए हैं अपने इलाके के हवाले से, यकीनन इनको परेशानी होगी।